निर्णय लिया है और देश की सारी राजनीतिक पार्टियों से, सारे वोटरों से पालन करवाने के लिए भी संकल्प लिया है। तो इस संकल्प के साथ इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए संविधान की कॉपी हम हर प्रोग्राम में डिस्प्ले करते हैं कि ये हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है और इसमें खाली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, लेकिन देश को आजाद कराने में, देश को विकसित करने में जिन लोगों ने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो सारे के सारे लोग इस संविधान में निहित हैं। इसलिए संविधान हमारी बाइबल है, संविधान हमारा कुरान है, संविधान हमारा गीता है, संविधान हमारा सबसे बड़ा राष्ट्र ग्रंथ है। हम इसको पल पल याद करते रहते हैं और इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग को हम लोगों ने इकट्ठा करके पहले ये निर्णय लिया कि पहले जो विचार होता है वो लोगों के दिमाग में आता है, पहले दिमाग संगठित होते हैं उसके बाद व्यक्ति संगठित होते हैं। अच्छी विचारधारा के लोग अगर चाहे दस ही संगठित हों लेकिन वो 10 करोड़ के बराबर होते हैं, लेकिन वो ऐसा मैसेज देना चाहते हैं देश के लिए जिसको सारी राजनीतिक पार्टियां भी आगे आने वाले समय में फॉलो करें। तो मैं इसके संबंध में एक छोटा सा, मैंने जो हमारी प्रगति है 5 साल की, उसका लेखा जोखा मैं आपके सामने वैचारिक लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं पढ़ूंगा इसके लिए और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सरकार को विवश करना चाहते हैं कि ये पांचों मुद्दे संविधान में निहित हैं, इनको लागू करें। पहला मुद्दा है आरक्षण की समग्र सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका मतलब है जनसंख्या के आधार पर जो 4 हमारे वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनके लिए जनसंख्या के आधार पर शासन प्रशासन और जितने भी शक्ति के स्रोत हैं उसमें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यह सिद्धांत सबसे पहले 26 जुलाई 1902 को हमारे कोल्हापुर स्टेट के जो महाराजा थे जिनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज है, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इसको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने फॉलो किया और बाद में उसको माननीय कांशीराम साहब ने फॉलो करके जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, एक नया सिद्धांत देश के सामने पेश किया। दूसरा हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ का जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त समग्र चुनाव प्रणाली। इसका मतलब है देश में जितना भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस भ्रष्टाचार का मूल कारण जो है ये भारत की चुनाव प्रणाली है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक व्यवस्था है। इस राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि देश के प्रत्येक नागरिक को जिस तरह से वोट देने का अधिकार है उसी तरह से इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। पर वर्तमान व्यवस्था में पूंजीपति लोग चुनाव लड़ पाते हैं, पूंजीपति लोगों को टिकट मिल पाती है और पूंजीपति लोग ही अपना प्रचार प्रसार कर पाते हैं, क्योंकि साधन विहीन लोग चाहे बड़े ही पढ़े लिखे हों, चाहे उनके पास कितनी भी सेवा की क्षमता हो, लेकिन यदि उनके पास में पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिलेगा तो उनकी बातों को आखिर कौन सुनेगा। लोग बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में और जनता में अपनी बात करते रहते हैं, लेकिन जहां कानून बनाने का मौका मिलता है तो वो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव प्रणाली जो है सरकारी खर्चे पे नहीं होती है और कई देशों में ये सरकारी खर्चे पे चुनाव होते हैं। अगर इस देश के अंदर सरकारी खर्चे पे चुनाव हो, पूरे चुनाव प्रचार से लेकर के और चुनाव व्यवस्था का खर्चा जिस तरह से सरकार उठाती है उसी तरह से सारा खर्चा उठाया जाए, सामूहिक मंच बनाया जाए देश के अंदर और सामूहिक मंच पर सारी पार्टियों को, चाहे निर्दलीय भले हो, उनके लिए मौका दिया जाए और जिसका जिलाधिकारी के द्वारा चुनाव संचालित किया जाए और उनके लिए इस तरह से चुनाव व्यवस्था अगर होगी तो लोग जो काला धन चुनाव के लिए इकट्ठा करते हैं वो चुनाव के लिए इकट्ठा न करके उसके लिए वो उसमें अपना भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए सरकारी खर्चे पे चुनाव व्यवस्था के लिए हमने ये दूसरा निर्णय लिया। तीसरा, समान स्तरीय एक रूप शिक्षा प्रणाली, यूनिफॉर्म एजुकेशन। क्योंकि देश के अंदर एक तो गरीब का बच्चा है, एक अमीर का बच्चा है, अमीर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे सामने समस्या थी कि लोग निरक्षर थे तो साक्षरता के लिए आज भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जबकि आज वो ऐसी समस्या नहीं है, आज लोग साक्षर तो हो गए हैं,
लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो गरीब के बच्चों का अलग है, अमीर के बच्चों का अलग है। तो जिन लोगों के पास में इस देश में 1% लोगों के पास में 73% पूंजी है, वो लोग अपने बच्चों के लिए अमेरिका, लंदन और दूसरे विदेशों में पढ़ाते हैं और देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल उनके लिए चल रहे हैं। लेकिन जो मजदूर का बच्चा है, जिनके लिए हम लोगों के लिए या तो स्कूल मुहैया नहीं है या उनके लिए ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है जो उसको पढ़ने के बाद में मजदूर के अलावा और वो कुछ नहीं बन सकता है। इसलिए अगर देश में विकास करना है तो एजुकेशन को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा और सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका सबका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। जब तक आप राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक जन जन का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए समग्र विकास संघ अकेला संगठन है देश में जो देश की शिक्षा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करते हैं। इसमें जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने सरकारी स्कूलों के अलावा जो उन्होंने प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। इसलिए राजनीतिक नेता ही इस मुद्दे के ऊपर आड़े आते हैं। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं, उन्हीं के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इसलिए काला धन उसके अंदर कमाया जाता है, उसके अंदर लगाया जाता है और वो लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। हम लोग पुरजोर अपील करते हैं आप सभी लोगों से कि सब एकजुट होकर के सारी राजनीतिक पार्टियों से और उनसे आवाज उठाएं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इसके बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो चौथा इसी तरह से जो मुद्दा है, जो आज जिसके ऊपर सेमिनार होने जा रहा है, इसका मुद्दा आपका हमारा यह है, समग्र रोजगार एवं उपयुक्त वेतन प्रणाली। इसका मतलब यह है कि देश का प्रत्येक परिवार, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, हर परिवार के अंदर कम से कम एक बेरोजगार जो बच्चा है कोई भी, उसके लिए रोजगार मिलना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हो रोजगार और इसकी तनख्वाह कम से कम हो 18,000। यानी 18,000 इसलिए क्योंकि न्यूनतम मजदूरी इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स की 18,000, तो उसकी मजदूरी कम से कम, उसकी तनख्वाह कम से कम 18,000 होनी चाहिए और उसके साथ में उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आज इसी विषय पर सेमिनार किया है, हमारे विद्वान साथी आए हुए हैं, सब इसके लिए विस्तार से अपनी बात इस मुद्दे पर रखेंगे, इसलिए मैं इस पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पांचवा हमारा जो अंतिम है वो उसका उद्देश्य है कि देश के अंदर जो चिकित्सा व्यवस्था है, जैसे शिक्षा व्यवस्था महंगी है, इसी तरह से चिकित्सा व्यवस्था भी महंगी है। आज जो बीमार होता है, गरीब का बच्चा अगर बीमार होता है, गरीब का बुजुर्ग बीमार होता है, तो उसके लिए सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए भी इलाज के बिना वो मर भी जाते हैं। और गाँव में, दूर दराज में अस्पताल है ही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा दवाई की, जितनी पढ़ाई की मतलब जरूरत है, उससे ज्यादा दवाई की भी लोगों के लिए जरूरत है। और दवाई का जब संविधान के अंदर लिखा हुआ है, मूल अधिकारों में लिखा हुआ है जीवन का अधिकार, लेकिन जीवन का अधिकार में यही नहीं है कि आपको कोई मार देता है, आपकी जान ले लेता है, यही जीवन का अधिकार नहीं है। अगर बीमारी भी आपको मारती है तो ये भी जो है आपके ऊपर, बीमारी को दूर करने के लिए भी सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। उसको बीमारी से ही बचाना है, उसको गोली से ही बचाना है। तो इसलिए जीवन का अधिकार में ये भी समाहित है कि उसके जीवन के अधिकार की जब गारंटी ले रही है, तो बीमार जब पड़ता है तो उसको स्वस्थ रखने की गारंटी भी सरकार की होनी चाहिए। क्योंकि स्वस्थ कर्मचारी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे सकता है, अच्छी उत्पादकता दे सकता है। अगर देश की उत्पादकता को बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को देश के लिए उसको स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसलिए हमने फ्री हेल्थ केयर के लिए सरकार से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार होना चाहिए कि उसको फ्री में स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों के लिए जो हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि पैसा दें हम और चुनाव लड़े आप। चुनाव लड़ने के लिए हम पैसा नहीं दे रहे, हम इसलिए पैसा दे रहे हैं टैक्स का कि हमारे जो नागरिक हैं उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। मैं किसी सरकार का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन सभी सरकारों से जिसकी बन चुकी है, जिसकी बनने जा रही है या जिसकी बनेगी, उन सबका ये अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी इस व्यवस्था को, जो पांचों हमारे मुद्दे हैं, इसके लिए दुरुस्त करें। तो ये तो हमारा एक ये संक्षिप्त ये मुद्दों का परिचय था। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है इसी संबंधित, मैं इसको पढ़ देता हूं। भारत के संविधान में काम का अधिकार दिया गया है, क्योंकि हर चीज हमारी संविधान के आसपास ही घूमती है। भारत के संविधान में काम का अधिकार दिया गया है, काम करने से लोग आजीविका कमाने के योग्य और आर्थिक रूप से सक्षम
तथा सुरक्षित बनते हैं। यह न्याय संगत आर्थिक वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक एवं लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अगर समानता आपको स्थापित करनी है देश के अंदर तो सबके लिए काम जो है बहुत जरूरी है, सबके लिए रोजगार बहुत जरूरी है। यह न्याय संगत आर्थिक वृद्धि यह लोगों को समाज में पूर्ण हिस्सेदारी की अनुमति भी प्रदान करता है, ताकि उनमें गरिमा और मूल्यों की भावना जागृत हो सके। कार्य जनहित में योगदान करते हैं, कार्य में दूसरों की देखभाल करना भी शामिल है, कार्य परिवारों और समुदायों के भीतर सामंजस्य स्थापित करते हैं, उत्पादकता बढ़ाने वाली, लाभकारी और कार्य के संतोषजनक अवसरों वाली, श्रमिकों की कार्य कुशलता और क्षमता बढ़ाने वाली, उनके अधिकारों, सुरक्षा व बेहतरी की गारंटी करने वाली हो। नए सामाजिक अनुबंध वैश्विक संधि और सम्मानित कार्य एजेंडे पर आधारित कार्रवाई एजेंडे की कोशिश होनी चाहिए। मानव विकास के बिना समग्र विकास कोरी कल्पना मात्र है। देखने में आया है कि तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन देश के विकास की बात तो करते हैं, लेकिन जब मानव के विकास के लिए बात की जाती है तो उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं होता है। इसलिए समग्र विकास संघ ने यह फैसला किया है कि मानवीय दक्षता को बढ़ावा देना उसका पहला उद्देश्य है। इसके लिए मानव विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना हमारा दायित्व है। उसमें सबसे पहला कारक ज्ञान की वृद्धि है। ये जो आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये ज्ञान वृद्धि के लिए ही ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि हमारे विद्वान साथी जो बात हमें बताएंगे उसको अपने दिमाग में रख करके उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञान वृद्धि का जो पहला ज्ञान वृद्धि है। दूसरा कारक सम्मानजनक सभी नागरिकों का जीवन स्तर है। तीसरा कारक बराबरी और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना है। चौथा कारक मानव की सुरक्षा और उसके अधिकारों के लिए सचेत रहना है। पांचवा कारक पर्यावरण की सुरक्षा भी उसमें निहित है। छठा कारण राजनीतिक एवं सामुदायिक जीवन में भागीदारी है। ये नहीं है कि हम खाली अपने काम धंधे में लगा रहे हैं और हमारे समाज की क्या जिम्मेदारी है, राजनीति में हमारी क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए, हम वोट दे रहे हैं तो हमें राजनीति के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, तो ये भी मतलब हमें विकास करना है उसका। सातवां कारक है प्रत्येक व्यक्ति का लंबा और स्वस्थ जीवन जरूरी है। इसके लिए हमने आपका पांचवा हमारे उद्देश्य है उसको डाला है उसमें। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ ने पांच उद्देश्यों को इसके लिए अपनाया है। इसमें सबसे पहला उद्देश्य आरक्षण की समग्र सामाजिक प्रणाली को लागू करवाना है। दूसरा उद्देश्य व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को बहाल करने के लिए राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी हो। इसलिए संघ चाहता है कि सभी चुनाव का खर्चा सरकार वहन करे। तीसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय को आधार मानकर बनाया गया है, जिसमें समाज के जो एजुकेशन है वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को उसकी जिम्मेदारी सरकार दे। चौथा उद्देश्य समग्र रोजगार एवं वेतन प्रणाली है। इसके अंतर्गत हर घर में हो रोजगार, तनख्वाह हो उसकी कम से कम 18,000। पांचवा उद्देश्य है मुफ्त एवं समग्र स्वास्थ्य सेवा, हर व्यक्ति के लिए फ्री हेल्थ केयर करने की व्यवस्था सरकार करे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अब सवाल यह उठता है कि संविधान में तो बहुत सारी चीजें लगी हैं, संविधान की कसम भी खाती है सरकार, मंत्री भी खाते हैं, लेकिन वो करते क्या है, क्योंकि उनकी नीयत भी उसकी ठीक है कि नहीं। नीति का अगर मुकाबले में नीयत अगर ठीक नहीं है तो उसका विपरीत असर पड़ेगा। तो संविधान, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले बुरे हैं तो वह अंततः बुरा ही साबित होगा। इसके विपरीत संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि उसके चलाने वाले अच्छे हैं तो उसका असर भी अच्छा होगा। उक्त कथन का अभिप्राय है कि एक सरकार राष्ट्रीय समग्र विकास संघ द्वारा सुझाए गए राष्ट्र विकास के कार्यक्रमों को अमल में लाना चाहती है तो इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आज सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। लगभग 130 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कोष आसानी से निर्मित किया जा सकता है।
इसकी मैं बार बार बात करता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। 130 लाख करोड़ रुपए हम सरकार को दे रहे हैं, हम कैसे देंगे सरकार के लिए? हम उसको कोष बता रहे हैं कहां कहां से पैसा आएगा आपके पास में। 130 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कोष आसानी से निर्मित करने के लिए हमारे पास 28 लाख करोड़ का विदेश में काला धन पड़ा हुआ है, लगभग 50 लाख करोड़ का घरेलू अर्थव्यवस्था में काला धन पड़ा हुआ है और लगभग 50 लाख करोड़ का मंदिरों के अंदर सोना जमा है। इस सारे धन को अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए और एमपी हैं, उनके लिए उनका विकास निधि मिलती है। इस सारी चीजों को, विकास निधि को अगर उसमें जोड़ दिया जाए इस सारे उसमें, तो ये इसके लिए एक विकास के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना हो सकती है और वो कोष में 130 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अलग होंगे और जो आपका जो बजटी प्रोविजन है बजट का उससे भी अलग होगा। उससे आप ये कल्याणकारी जो हम कार्य बताए हैं इनको आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी सरकार कर सकती है। यदि सरकार उक्त योजनाओं को पूरा करना नहीं चाहती है तो उनके पास अनेकों अच्छे से अच्छे बहाने हो सकते हैं। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ पढ़े लिखे कर्मचारियों, अधिकारियों, वकीलों, पत्रकारों, अभियंताओं, डॉक्टरों एवं अन्य बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित लोगों ने मिलकर राष्ट्र और समाज के समग्र विकास हेतु निर्मित किया है। सर्वप्रथम जनवरी 2014 में बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों ने मिलकर श्री चमनलाल भारतीय पुलिस सर्विस सेवानिवृत्त के संरक्षण तथा केसी पिप्पल भारतीय आर्थिक सेवा से निवृत्त की अध्यक्षता में उक्त संगठन को निर्मित करने का संकल्प लिया था। 5 वर्ष में संगोष्ठियों का आयोजन करके संगठन की विचारधारा को अधिकांश बुद्धिजीवियों और राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की है। संगठन की कोर टीम ने मिलकर यह निर्णय निष्कर्ष निकाला है कि भारत के राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पूरा करने में जाति असमानता और बढ़ती बेरोजगारी दूसरी असमानताओं से बड़ी बाधा सिद्ध हुई है। देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा जाति असमानता और बेरोजगारी सबसे बड़ी बाधा है। हमारे महापुरुषों एवं समाज सुधारकों ने समय समय पर इस बुराई को जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया है, परंतु यह बीमारी और अधिक बढ़ती चली गई है। आज भारत में सभी कार्यों का आधार जाति को ही बनाया जाता है। नियुक्तियों में आरक्षण, राजनीति में टिकट देना, सर्वोच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, सर्वोच्च धार्मिक पदों पर शंकराचार्यों की नियुक्ति, ठेके और लाइसेंस देने में, सर्वोच्च शिक्षा में कुलपतियों की नियुक्ति या अन्य कोई सर्वोच्च नियुक्ति करने का सवाल हो तो उक्त सर्वोच्च पदों पर जाति की श्रेष्ठता को अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक संघर्ष के कारण अब तक राजनीतिक समानता ही प्राप्त हो सकी है, जिसके कारण वंचित तबकों को सम्मान प्राप्त हुआ है, परंतु आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी होने के कारण वे अपने इस अधिकार का प्रयोग अपने हित में नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ी जातियां तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आने वाली कमजोर जातियों में घोर निराशा का तथा पराधीनता का भाव सक्रिय हो गया है। इस दिशा में चुने हुए राजनीतिक प्रतिनिधि जो इन जातियों से चुनकर आते हैं वे भी इनकी सहायता करने में पूर्णतः असफल साबित हुए हैं। जो राजनीतिक लोगों को हम चुनकर भेजते हैं वो भी हमारी कोई सहायता नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टियों के चमचागिरी करने में लगे रहते हैं और जिनसे वोट लेते हैं उनके दुख दर्द के बारे में कुछ पूछने भी नहीं जाते हैं। इसलिए राष्ट्रीय समग्र विकास संघ एक नई आशा और विश्वास के साथ समाज को सामाजिक न्याय दिलाने तथा सभी तरह की असमानताओं से समाज को मुक्ति दिलाने का तब तक सतत प्रयास करता रहेगा जब तक हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कीमत एक बराबर नहीं हो जाती है, यानी वन मैन वन वैल्यू। ये उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों उद्देश्य को मिला करके हर व्यक्ति की ये वन मैन वन वैल्यू होनी चाहिए। उक्त प्रस्तावना में उठाए गए सभी सवाल और जवाब
सरकार और जनता के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो संगठन से जुड़कर इस राष्ट्रीय समग्र विकास संघ की भावना को आगे बढ़ाइए और देश के राष्ट्र विकास में और समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि अभी जो विषय है उसके ऊपर चर्चा होगी और कुछ सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे और कविताएं भी होंगी, तो हमारे पास समय कम है और इस सर्दी की वजह से प्रोग्राम चालू होने में थोड़ा सा देरी हुई है, विलंब हुआ है, तो इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ और एक बार आपको फिर आज के 5वें स्थापना दिवस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज इस महान जो कार्य को आगे बढ़ाने में आप आज उपस्थित होकर के और आपने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, जय भारत।